आज हम बनाएंगे लाइनिंग वाली तुरई की सब्जी। ये तुरई खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो मैंने ये 1 किलो के करीब तुरई ली है और इसका ये जो ऊपर वाला छिलका होता है इसे हम हटा लेंगे, क्योंकि ये ठोस होती है और जल्दी गलती भी नहीं है, तो इसलिए हमें इसका छिलका निकाल लेना है। तो बड़े आसानी से इसका छिलका निकल जाती है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे तुरई का छिलका हटाकर तैयार करना है इसी तरीके से। तो ये देखिए बहुत ही आसान है इसका छिलका निकालना। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने छिलके हटा ली है। तो इसी प्रोसीजर से हमें सारे तुरई का छिलका हटाकर तैयार कर लेना है और इसका आगे पीछे वाला पोर्शन हमें काटकर हटा लेना है। तो चलिए मैं सारे तुरई को छीलकर दिखाती हूँ। तो ये मैंने सारे तुरई को छील लिया है और पानी से हम अच्छी तरीके से इसे धोकर साफ कर लेंगे, इसके बाद ही इसको काटेंगे। तो मैंने पानी से अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम काट लेते हैं। तो आपको जिस हिसाब का शेप पसंद है, जिस साइज का पसंद है, उस हिसाब से आप इसे काट सकते हैं। आप इसे गोल गोल काट सकते हैं, क्यूब्स आकार में काट सकते हैं। तो मैं इसे गोल गोल साइज में काट रही हूँ इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, सारी तुरई को काट कर तैयार कर लेना है, फिर हम आगे का प्रोसीजर बताएंगे कि ये सब्जी बनाना कितना आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम इस तरीके से सारे तुरई को काट कर तैयार कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारे तुरई को काट कर अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। तो इसको बनाने के लिए हम 1 मीडियम साइज का प्याज और अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां, इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। मैं सरसों तेल का यूज कर रही हूं और तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को चिटकने देंगे गोल्डन कलर आने तक। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च। अदरक 1 पीस टुकड़ा ली थी, इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। तो इस तरीके से हम सारे सब्जियां डाल लेंगे और इसे हम चलाकर फ्राई करेंगे। तो प्याज को हमें 2 से 3 मिनट तक हाई मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए फ्राई करना है, जब तक कि हमारा प्याज सॉफ्ट ना हो जाए और हल्की गोल्डन कलर ना आ जाए, तब तक हमें प्याज को चलाते हुए ही फ्राई कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं प्याज हमारी सॉफ्ट भी हो गई है और इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ गया है, ये देखिए। तो इसी तरीके से हमें प्याज को फ्राई कर लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर आने तक हमें प्याज को नहीं पकाना है। तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला। मैं रेड चिल्ली पाउडर का यूज नहीं कर रही हूँ, लाल मिर्च का पाउडर यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हरी मिर्च ज़्यादा यूज कर रही हूँ। इसमें 3 से 4 हरी मिर्च के करीब मैं डाल चुकी हूँ, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डालें, कम ज़्यादा करें, आपको जिस हिसाब का तीखा पसंद है। तो मसाले को अच्छी तरीके से कुछ सेकेंड के लिए मिक्स करके भून लेंगे। फिर हम इसमें कटा हुआ तुरई डालेंगे और तुरई को भी हम चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें एक खास बात ये होता है कि तुरई में पानी डालने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी तुरई से पानी रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा पानी तुरई से निकलता है, इसलिए हमें पानी इसमें डालने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होता है। उसी पानी से हमारा तुरई पककर तैयार होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम चलाकर अच्छी तरीके से मसाले में तुरई को मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मसाले में तुरई हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसे ढक कर पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, हमें 2 से 3 मिनट तक हाई मीडियम फ्लेम पर ही पका लेना है। तो देख सकते हैं तुरई हल्की हल्की सॉफ्ट होने लगी है, इसे एक बार चला लेते हैं। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि हम नमक अभी तक यूज नहीं किए हैं। तो इसमें मैं 1 चम्मच के करीब भरकर नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेना। और 1 टमाटर कटा हुआ डालेंगे, मीडियम साइज का टमाटर ली थी, इसको मैंने चॉप कर ली थी। तो इसे डालकर अच्छी तरीके से फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं सब्जियों को अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो सब्जी हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है, अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो इसे हम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, ताकि धीमी धीमी आंच पर हमारी सब्जी अच्छी तरीके से पके। तो 10 से 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी सब्जी अच्छी तरीके से पक गई है। तो इसी तरीके से चला लेंगे। तो ये देखिए अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, तो इसे हमें और थोड़ी पकाना है। इसका पानी जब तक जल के ख़त्म ना हो जाए तब तक
पकाना है। तो चलिए फिर से ढककर इसे हम 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 5 मिनट बाद फिर से हम ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गई है। देखने से ही लग रहा है, देखने से ही नज़र आ रहा है कि सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक गई है और इसका पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो जा चुका है जैसे कि हमें सब्जी चाहिए थी। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे और पका लें, नहीं तो आप ऐसे ही बनाकर खा सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही चाहिए था। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और सब्जी को ढककर सेट होने देते हैं। तो कुछ मिनट बाद हम सब्जी को ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। तो देखिए हमारी सब्जी सेट हो चुकी है और सब्जी का कलर भी काफ़ी अच्छा आया है और इसका ग्रेवी भी न ज़्यादा पतला है न ज़्यादा थिक है, बिल्कुल लटपटी सी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरीके से आप सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं तुरई का। तो फ्रेंड्स हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और इसी तरह बने रहना मेरे वीडियो पर और एक बार ये सब्जी आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।